नीतीश बाबू ने कहा कि पप्पू जी आप दिनेश जी से या दीपक बाबू से बात कर लीजिए, आप तो सब जगह पहुंच ही जाते। यदि शराब माफिया के खिलाफ शिकायत कर दिया या तो अपराधी से मरवा देगा या तो केस मिल भर 500 से 5000 रुपया में मर्डर करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले को लेकर बात अगर हम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इतना ही नहीं आर्थिक मदद भी पप्पू यादव की तरफ से किया जाता है। लेकिन इस बीच न्यूज फॉर नेशन के संवाददाता से बात करने के दौरान पप्पू यादव ने खुद ये बताया है कि जिस तरह से हत्या की जो घटना बिहार में लगातार हो रही है, इसे लेकर पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फोन किया, फोन पर बातचीत उन्होंने की। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया, लेकिन तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार से की तरफ से ये कहा गया कि आप इस पूरे मामले को लेकर पदाधिकारियों से बातचीत कीजिए। ऐसे में पप्पू यादव का कहना है कि जरा सोचिए और जरा समझिए कि जिस जिले में खुद सीएम नीतीश कुमार रहते हैं, हम बात नालंदा की कर रहे हैं, अगर नालंदा के डेटा को उठाकर हम देखें तो हकीकत सामने आएगी और ये पता चलेगा कि नालंदा में अब तक कितने मर्डर हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, न्यूज़ फॉर नेशन पर सुनवाते हैं आप। मेरी बातचीत नालंदा की घटना थी, मैंने कैबिनेट मिनिस्टर नालंदा के हैं सरमन बाबू, उनसे भी कहा, उनके 3 किलोमीटर के बाद ये घटना, 3 महिला को गोली मारा गया, बच्ची का बलात्कार करने नहीं दिया इसलिए मार दिया। नीतीश कुमार क्या कहा? नीतीश बाबू ने कहा कि पप्पू जी आप दिनेश जी से या दीपक बाबू से बात कर लीजिए, आप तो सब जगह पहुंच ही जाते हैं, आप तो सब जगह पहुंच ही जाते हैं। दिनेश जी को मैंने कह दिया आप बात कर लीजिए। अब उन्होंने इतना थोड़ी रिस्पांस ली, और लोग तो आप इतना समझिए, पुलिसिया जुल्म यदि शराब माफिया के खिलाफ शिकायत कर दिया या तो अपराधी से मरवा देगा या तो केस में इन्वॉल्व कर देगा, डर से कोई नहीं बोलता। और 80% यूथ के हाथ में कोरेक्स है, एसमैक्स है, फैक्टनर है और सोल्यूशन। सर 500 से 5000 रुपया में मर्डर करता है कोरेक्सोन एसमैक्स के, 500 मार देना ठोक दे। अब आपको कुछ नहीं करना है, पप्पू यादव को कुछ नहीं करना है। एक बेरोजगार यंग लड़के के बारे में हमको पता है कि कौन एसमैक्स ले रहा है, बस आपको 1000-2000 देना है, अखलाक अहमद को रघुपति जी को मरवा देना। तो बता दें कि पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ रहे आपराधिक मामले को लेकर सीधे सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि आप जो है वो पदाधिकारियों से बातचीत कीजिए और तुरंत कार्रवाई करने की बात भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। लेकिन पप्पू यादव का ये कहना है कि आखिर क्यों इस तरह से आपराधिक मामले बिहार में बढ़ रहे हैं और अंकुश क्यों नहीं इन मामलों पर लगाया जा रहा है, क्यों बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।